वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो अज के सैगमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू से गलबात जा रहे हैं हर एक व्यक्ति जरा कि बिजनेसमैन कामयाब अपने आप चाहता है ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਬਿਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਲੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਰਾ जी जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम थैंक यू थैंक यू जी सो so, गल बात करते हैं जी कि ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है बेस्ट इसका नाम है बिजनेस ऑन्टरप्रेनर स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है क्या और ख़ास तौर के ऊपर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट आपका भी लंबा एक्सपीरियंस है एक दहाके के लंबे समय का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सो so, इसके बारे में हमें बताइए ये है क्या Uh, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ये मैं आपको uh, अपना फ्लायर दिखाना चाहूँगा अपने आपके व्यूअर्स को जी. तो दिस हैज़ बिकम लाइक एग्नेचर फॉर पिक्स बेस्ट प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन्टरप्रीनरशिप ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहते हैं इसके अलावा uh, ये देखा गया है कि काफ़ी लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास दे लैक द स्टार्टअप कैपिटल राइट नॉलेज ट्रेनिंग एक पार्ट है साथ में स्टार्टअप के लिए जितने भी पैसा चाहिए पाँच हज़ार दस हज़ार एक लाख डॉलर जो भी है उनके पास या तो है नहीं।, नहीं और यह है भी तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कैसे पोल टूगेदर करना चाहिए उसके लिए हम लोग रॉयल बैंक आर के थ्रू हमने एक इनिशियटिव शुरू किया है जी। आ, उसके तहत जो है कैनेडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग प्रोग्राम के अंडर में विच इज़ एक्चुअली गवर्नड बाय इंडस्ट्री कैनेडा गवर्नमेंट गवर्न कैनेडा का प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम को डिलीवर करता है और ये जानकर तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस प्रोग्राम के अंडर में वन बिलियन डॉलर्स पर ईयर बिजनेस स्मॉल बिजनेस लोन्स कैनेडियंस को हर साल दिए जाते हैं ओके एवरी ईयर और ये प्रोग्राम पिछले पंद्रह सोलह साल से इन इफेक्ट है जी. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो इंडो कैनेडियन पॉपुलेशन है उनको इस बारे में बहुत जानकारी पता नहीं है right. तो आर के थ्रू हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कि लोग आ, हमारे थ्रू प्रिक्स के थ्रू अपना ये लोन एक्सेस कर सकते हैं right. आर के आ, इन पार्टनरशिप आरबीसी जिसमें कि क्वार्टर मिलियन डॉलर्स दो लाख पचास हज़ार डॉलर तक जो है लोन बिजनेस स्टार्टअप कैपिटल उनको मिल सकता है लोन okay. मिल सकता है जिसमें उनको सिर्फ टेन परसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए right. और बाकी जो है अप टू क्वार्टर मिलियन लोन मिल सकता है सो इट्स अ बिग हेल्प एंड जो उसकी कंडीशंस लोन की हैं राइट दे आर मच मोर इजीियर एज़ कंपेयर्ड अगर आप डायरेक्टली जाते हैं या कन्वेंशनल बिजनेस लोन के लिए इसके बारे में और बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे ये होना है सदवीर जी जॉब दे जेड़े ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ سارے ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਸ ਪਾਰਟिकुलर ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਰਾਈਟ এনवायरमेंट ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੌਬਸ ਦਾ ਤਨਖਾਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਲਿਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਾਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਬੀਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਰਟ एवरीवन ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਰਬੀਸੀ ਓਕੇ ਐਵਰੀ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਆਥਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿਸ ਲੋਨ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਬੀਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਏ ਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਸ ਲੋング ਐਸ ਯੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਇਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਮਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਕੰਡ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕਮ ਆਫਟਰ ਯੂ ਐਸੈਟਸ ওকে ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦਾ ਅਵੈਂਚਰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੈਂਗ ਹੈਲਪ ਲੋਗੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ घर नहीं होना लै जाना तो फिर भी सेफ ने सिर्फ टेन परसेंट लाए ने उच्च जाने बाकी सारा सरकार का ही पैसा लगना सो so, इसमें समय जी ये बताइए कि क्योंकि हमारे लोग बहुत एंट्रप्रल स्पिरिट रखते हैं और ये होता है आम तौर के ऊपर कि देखो देखी हम कोई काम कर लेते हैं लेकिन बहुत बारी वो कामयाब नहीं होता तो इसमें कौन से लेवल ऑनवर्ड्स और क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई पर्टिकुलर बिज़नेस बिज़नेस की या एनी टाइप ऑफ़ कौन आ सकता है क्या क्राइटेरिया है ब्रीफली उसके वो तो पहला जी। तो वो देखते हैं। Now, जब वायबल बिजनेस आइडिया हम बोलते हैं उसका तीन मेन फैक्टर्स होते हैं जी। कि आपके पास स्टार्टअप कैपिटल है number 2 do you have the skills knowledge and mm -hmm. or experience right. is industry guy. okay What are you ready and willing to take the risk mm -hmm. to jump into this so or baki your own uh, what do you call it, um, strengths Right. So, जहाँ एक्सपीरियंस की आपने बात की है वाइबल आइडिया की बात की शायद कई बार लोगों के पास नहीं होता तो क्या आप वहाँ पे हेल्प करते हैं नहीं इस बारे में मैं ये कहूँगा कि आइडिया बिजनेस आइडिया जनरेशन हम लोग नहीं उनको हेल्प करते हैं क्योंकि right. मैं जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस कहता है <laughs> कि अदरवाइज जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है कि सब कोई पिज्जा स्टोर खोल रहे हैं सब कोई ट्रक बाय कर रहे हैं सब right. कोई स्वीट स्टॉप खोल रहे हैं क्योंकि देखा देखी well भीड़ चाल में hmm. तो ये नहीं कि हम कहें कि आप आप हम उनको कहते हैं कि, कि आप अपने बैकग्राउंड देखिए अपनी स्किल्स देखिए right. और उसको मैच करिए अपने बिजनेस आइडिया के साथ दोनों तो को मैच क्योंकि जो भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट इंजॉय वॉट योर डूइंग राइट तभी आप उसमें हंड्रेड टेन परसेंट जो है आप इनपुट देंगे और बिजनेस सक्सीड करेगा सो देर इज वन ऑफ द न सो फॉर द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी और बींग फॉर द फाइनेंसिंग जो कंसर्न है उसमें यह है कि इन इन एडिशन टू गुड क्रेडिट एक बिजनेस प्लान होना बहुत आवश्यक है okay. अब मेजोरिटी ऑफ़ द लोग आई वुड से 100 परसेंट लोग जो नया बिजनेस शुरू करने चाहते हैं उनको नहीं पता कि बिजनेस प्लान क्या होता है जब हम कोई इस बारे में बोलते हैं वो क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन जाके कोई टेम्पलेट कॉपी करके ले आते हैं ठीक है नाउ दिस इज नॉट बिजनेस आई मीन द बैंक सो वी आर लुकिंग फॉर ए ए प्रोफेशनली डन बिजनेस प्लान एंड दिस इज वेयर पिक्स टीम कम्स इन हैंडी एंड वी एक्चुअली प्रिपेयर द बिजनेस प्लान फॉर दैम ऑफकोर्स फॉर ए नॉमिनल फ्री and in return for that normal fee we prepare a business plan for them that is acceptable by the RBC, right. for the Canada Small Business Financing Program okay. and we also provide ongoing business consulting right. for the first six months. Okay. So that's a part of the package. So just an offer. idea is required. आपके पास आएं आप उस plan के ऊपर भी काम करेंगे और साथ में उसी sustainability और क्या-क्या ज़रूरत है और financing भी जो है वो भी दिलवाएंगे. That's right. Wonderful. जी. ये देख गाल की तीसरी ना कि ऐसी idea नहीं रास्ते वो ना कारने के भी अभी फिर liability बांध जाती है. Right. Of course. 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 Right. Of वेबसाइट के थ्रो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसके लिए पिक्स में आप कभी फ़ोन करें 59 59645967722 ठीक है मेरा एक्सटेंशन है 128 नाम सुनील रावत आई एम बिजनेस एडवाइजर तो आई एम ओपन टू टेक योर कॉल्स लीव मी मैसेज सेंड मी एन ई मेल विच इज अवेलेबल ऑन पिक्स वेबसाइट एंड आई लुक फॉर्वर्ड टू सी मेरा ई है सुनील एस यू एन आई एल डॉट रावत आर ए डब्ल्यू ई टी एट पी आई सी एस पिक्स डॉट बी सी डॉट सी वंडरफुल जी थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेष कि ये जो आप प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है इसके अंदर और कामयाबी मिले और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, इसका गवर्नमेंट जो ये बेनिफिट दे रही है उसका फायदा ले सके थोड़ा तो भी बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी थे आगे गल बात कर ली थैंक यू थैंक यू थैंक यू रपीत जी